नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि इस मशीन को किस तरीके से क्लीन किया जाता है, कैसे इसका टब क्लीन करते हैं। और जो LG हमेशा रिकमेंड करता है कि जब भी 15 दिन हो जाएं वॉशिंग मशीन को यूज़ किए, जब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो, हैवी यूज़ हो, तो आप 15 दिन में भी इसका टब क्लीन कर सकते हैं। और यह है कि अगर आप डेली बेसिस पे या 2-3 दिन के अंतर में कपड़े धुलते हैं इसमें, तो इसमें लगभग 25 से 30वें दिन के बीच में आप इसका टब क्लीन कर सकते हैं। टब क्लीन करने के लिए आपको हम बताएं, एक LG की तरफ से रिकमेंड होता है इजी गो स्केल गो करके पाउडर आता है, वो 150 ग्राम्स का होता है और 150 रुपीज़ का वो मिलता है LG की तरफ से, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है वो हर जगह अगर ना मिले तो वाइट वेनेगर जो होता है, सफ़ेद सिरका, उसकी 200 ग्राम की मात्रा इसका टब क्लीन करने के लिए पर्याप्त होगी। LG कस्टमर केयर में भी आप कॉल करेंगे तो वो भी वाइट वेनेगर से धुलने की सलाह देते हैं टब क्लीन करने की। तो आज हम बताएंगे कि किस तरीके से इसका टब क्लीन करते हैं मशीन का। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये मशीन है, हमने इसका काफ़ी मेंटेन करके रखे हैं, तो 2 साल के बाद भी ये एकदम नई आपको दिख रही है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि टब क्लीन करने के लिए कैसे क्या हमें करना होता है। 200 ग्राम वाइट वेनेगर, जो सफ़ेद सिरका होता है, वो लेना होगा। और इसका जो ये जहाँ पे आप डालते हैं सर्फ वगैरह, कंडीशनर वगैरह, यहाँ पे आपने कुछ क्वांटिटी वेनेगर की यहाँ पे देनी है आपने। और उसके बाद टब ओपन करके यहाँ पे आपने डालना है टब के अंदर। तो इससे क्या होगा कि इसमें टब की क्लीनिंग भी होगी आपकी, और दूसरा ये साइड में जो भी इसके कचड़े होंगे वो भी इससे क्लीन हो जाएंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे टब क्लीन का ऑप्शन है, टब क्लीन का ऑप्शन है। वेनेगर आपने इसमें डाल दिया है और इसको नहीं कुछ छेड़ना है, आपने पूरा वेनेगर इस पर भी स्प्रेड करना है दम टब के अंदर, और इसको एज इट इज रहने देना है। उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे और स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद टब क्लीन। ये टब क्लीन का मतलब, इसको जो भी इसके फंक्शन है नीचे वाले, वो उसके लिए आपको जिसमें स्टार बना हुआ है आपको होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है मिनिमम 10 सेकंड के लिए। तो इसमें जब टब क्लीन का ऑप्शन आप 10 सेकंड्स के लिए क्लीन करेंगे तो ये टब क्लीन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको उसका टाइम दिखाई देगा कि कितना टाइम इसमें टब क्लीन में लगेगा। अब हम इस वेनेगर को ओपन करेंगे, और ये है वेनेगर। अब इसको हम ओपन करते हैं और इसमें इंसर्ट करते हैं। बॉटल को हमने ओपन कर लिया है और अब हम ये ओपन करते हैं इसका लिड, और थोड़ा यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। अब इसको हम बंद कर देंगे, इसके बाद हम इसका टब डोर खोलेंगे और अच्छी तरह से अच्छे तरीके से हमने इसको चारों तरफ हमने फैला दिया है। थोड़ा सा इसको टब को हम इस तरीके से इसको हम ऐसे घुमा कर हमने चारों तरफ इस तरीके से घुमा लिया है, और अब जहाँ जहाँ बाकी है उसमें भी हम इसमें इस तरीके से पूरा डाल देंगे। ये आप देखेंगे हमने पूरा इसमें डाल दिया है 200 ml का वाइट वेनेगर। अब इसका डोर हम करते हैं लॉक, डोर हमने लॉक कर दिया। अब मैन स्विच ऑन करेंगे, इसके बाद मशीन को हमने ऑन कर लिया है। अब आप देखेंगे ये टब क्लीन का ऑप्शन आपको दिखेगा।
जैसे इसको 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे आपको क्लीन का लोगो दिखाई देगा, मतलब इंडिकेशन। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो पॉज वाली बटन है स्टार्ट की, इसको प्रेस कर देना है। अब ये मशीन यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगी कि कितनी देर इसमें टाइम लगेगा। मशीन स्टार्ट हो गई है, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। वीडियो को तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी टेक्निकल आइटम्स के हम रिव्यूज़ और वीडियो बनाते रहते हैं, तो इसमें डाला जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अब आपको देखेंगे इसमें, देखिएगा आप, ये यहाँ पे टाइम शो होगा। इसका पूरा जो इंडिकेशन पैनल है वो भी हम आपको बता देते हैं एक बार और। ये इसमें फर्स्ट है टर्बो बॉस, ये आप देखेंगे वह 1 घंटे 14 मिनट ये आपको दिखा रहा है। ये बाकी ये जो सिग्नल्स हैं इसके, ये वाईफाई का है, ये पूरा इसका डोर लॉक का ये रहता है, ये क्लीनिंग का है, ये चाइल्ड लॉक है, इंटेंसिव रेंस, ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में बता रखे हैं। तो अब ये 1 घंटा 14 मिनट में पूरी तरह से हमारी मशीन को क्लीन, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगी। इस मशीन की यही खासियत है कि इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। 7 kg की ये ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, और देखेंगे ये डायरेक्ट ड्राइव है जो कि डायरेक्ट मोटर से है। इसका मतलब ये होता है कि जो टब है वो मोटर पे ही स्थित है, और दूसरी जो होती है वो बेल्ट से चलती है। तो बेल्ट वाले में क्या है, साउंड आपको ज़्यादा आएगा, और ये डायरेक्ट ड्राइव है तो इसमें साउंड बिल्कुल कम है। अब 1 घंटे 13 मिनट हम इसमें बाकी हैं, हम वेट करते हैं। ये अपने आप, इसको आप अपने हाल में छोड़ दीजिए, मशीन अपना काम करती रहेगी। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और फिर इसके आगे की जानकारी हम लेते हैं। इसका साउंड आप सुनेंगे 47 मिनट, एकदम साइलेंट ये वॉश कर रही है मशीन, टब क्लीन कर रही है। अब ये टब क्लीन का लास्ट स्टेज है, 5 मिनट इसमें बचे हुए हैं, और लास्ट में हम दिखाएंगे किस तरीके से एंड होता है। तो ये हो गया है अब टब क्लीन, टब क्लीन अब पूरी तरह से हो चुका है, और आप देखेंगे अब इसको, टब क्लीन होने के बाद आपको अब किसी साफ कपड़े से इसको पोंछ देना है, और इसका ये भी क्लीन कर देना है निकाल करके। आपको बता दें, ये इसको यहाँ से ये प्रेस करेंगे आप तो ये बाहर निकल आएगा। इसको अच्छी तरह से धुल करके आप इसको कर सकते हैं, ये भी निकल जाता है। अब हम इसको करते हैं क्लोज, ये हो गया मशीन का टब क्लीन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।